तो दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू से बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता। ये टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हमने हरी सब्जियों का भी इस्तेमाल किया है। अगर आपके बच्चे सब्जी वगैरह नहीं खाना पसंद करते हैं तो अगर आप उन्हें इस तरीके से बना कर देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा पसंद से खाएंगे। तो देख लेते हैं हमने किन किन सब्जियों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमने बॉयल आलू को इस तरीके से मैश करके लिया है। इधर हमने शिमला मिर्च, गाजर और प्याज को बारीक कट करके लिया है। अब इन्हें डाल देते हैं। दोस्तों अगर आपके पसंद में कोई और सब्जी भी है तो आप उसे भी बारीक कट करके ले सकते हैं। तो सभी सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे। तो इधर देखिए हमने हरी मिर्च और लहसुन को इस तरीके से दरदरा कूट कर लिया है। थोड़े सा हमने अजवाइन भी लिया है, इसे भी क्रश करके डाल देंगे। एक तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और दूसरा हमारा डाइजेशन सिस्टम भी इससे ठीक रहता है। तो अगर आपको पसंद हो तो आप इसे ज़रूर डालें। इधर हमने एक चम्मच लिया है काली मिर्च कूट करके। एक चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। एक चम्मच हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। इससे ये होगा कि इसमें कलर अच्छा आएगा। अगर आपको डालना हो तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इधर हम धनिया पत्ती इसमें डालेंगे। तो इधर देखिए हमने एक छोटा कप लिया है सूजी, मोटी वाली सूजी है, आपके पास जो सूजी है उसे डाल दें। और यहीं पर हमने एक छोटा कप चावल का आटा भी लिया है, इसे भी डाल देंगे। दोस्तों अगर आपको सूजी ही केवल डालना है तो सूजी डाल सकते हैं, या तो आपको चावल का आटा ही सिर्फ डालना है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक भी डाल देंगे तो चलेगा। तो अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है, पहले देख लेते हैं, अगर ज़रूरत लगेगा तो इसमें पानी भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए सभी को हमने डो फॉर्म में ला दिया है। इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको लगे कि आप पानी डालना चाहिए तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर देखिए हमने एक थाली लिया है, इसमें हमने ऑयल ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर सारे बैटर को हम फैला देंगे। अब अपने हाथों को धोने के बाद इसे हम फैलाएंगे वरना ये चिपके ना। इस तरीके से अच्छे से हम फैला देंगे इसे एक बराबर चारों तरफ से। तो हमने इसे अच्छे से फैला लिया है। अब इसको हम किनारे किनारे से पहले कट कर लेंगे। दोस्तों अगर आपके पास चौकोन कोई बर्तन हो तो आप उसे ही लें, उससे बहुत ही अच्छा काटने के लिए बनता है, जिस तरीके से हमने इसमें शेप दिया है। तो देखिए अब बीच से हम कट करेंगे। तिनकोना शेप में इसे हम कट कर रहे हैं। आपको अगर जैसा भी शेप अच्छा लगता हो आप उस तरीके से कट कर लें। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा दिखता भी है और टेस्टी तो है ही।
देखिए आसानी से निकल जाता है इस तरीके का शेप का बनेगा। तो सभी को हम इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इधर देखिए हमने गैस के ऊपर रखा है पैन, उसमें हम एक चम्मच तेल डाले हैं और चारों तरफ इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप तवा भी ले सकते हैं, तवा या पैन कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हम सभी को इस पे रखेंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, लो टू मीडियम, ताकि ये जले ना। जितना आ सके उतना हम इसमें रख देंगे। तो सभी को हमने रख लिया है। तो देखिए इस तरीके से टोस्ट करने के से इसका जो तला है नीचे से पूरा अच्छे से छोड़ चुका है। इस तरीके से हिला लें तो अब ये पलटने के लिए पूरा तैयार है। ये देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है और कलर भी इसका कितना प्यारा आ गया है। सभी को हम पलट लेंगे। ये बहुत ही आसानी से पलट जाता है। तो दूसरी साइड भी हम थोड़े से तेल लगाकर इसे अच्छे से उलट पलट कर सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक। तो ये देखिए परफेक्ट तैयार हो चुका है बनकर। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। दोनों तरफ से इसे तैयार करने में सेक कर हमें 7 से 8 मिनट लगा है। अब दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से तल लेंगे। तो देखिए हमने इस बार शेप इसका गोल रखा है। आपको जैसा भी शेप चाहिए वैसा आप ले सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक बार इस तरीके से बना लेंगे, अपने बच्चों को देंगे, तो आप हर रोज इस बच्चे इसी चीज़ का डिमांड करेंगे, इसे ही बनाने का। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। अब इसे थोड़ी देर हम सिकने देते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर ही। तो देखिए ये भी सिक चुका है नीचे से। अब इसे हम पलट देंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है और सब्जी होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स या नाश्ते में इसे ज़रूर बना कर दें, इसी बहाने वो सब्जी भी खा लेंगे। तो अभी भी हो गया है, अब इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो सभी को हमने बना कर तैयार कर लिया है दोस्तों। तो चलिए अब इसे प्लेटिंग करते हैं। तो ये देखिए हमने सभी को अच्छे से बना लिया है और कितना प्यारा दिख रहा है दोस्तों, और खाने में तो उतना ही उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है। तो इसे हमने सर्व किया है धनिया की चटनी के साथ। अगर आपको इमली की चटनी या केचप किसी के साथ भी खाना है तो आप खा सकते हैं, वरना ये ऐसे तो ये चटनी का कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही चटपटा फ्लेवर के साथ बना है। ये देखिए तोड़कर हम दिखाते हैं, ये अंदर से कितना सॉफ्ट है और बाहर से क्रिस्पी। तो आप भी अपने घर में बनाएं और खाएं, एंजॉय करें। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर अभी तक आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल UDS किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो
प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी नई नई रेसिपी की वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये देखिए कितना प्यारा नाश्ता बना है, आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।